यहाँ पुरुष ने जब कहा कि प्रभु मैं हजारों स्त्रियों को देखा हूँ लेकिन यह कौन सा बीज है इस स्वर्णकारी के, तो पुरुष ने कहा उस स्वर्णकारी के ही बीज के कारण मैं इस संसार की निसंतानों को संतान देता हूँ, दरिद्र लोगों को धनवान बना देता हूँ। जहाँ लक्ष्मी भी मूर्ख जाती है जो स्वर्णकारी है, जिसके दुर्भाग्य में जिसके जिसको दुर्भाग्य लिखा हुआ है, जिसका भाग्य नहीं है, जो दरिद्र है, जो कभी पैसा कमाए किसी कार्य में उसको पैसा नहीं आता, ऐसे लोगों को भी जो स्वर्णकारी की साधना करता है उसको ऐश्वर्य प्राप्त होता है, उसके पास स्वर्ण आता ही आता है, ऐसा उसने उनको कहा। और उसकी इस कार्य को सिद्ध करने वाला वो कभी हारता नहीं, सारी जगह जीतते ही रहता है, उसके कभी शत्रु होते नहीं। तो रावण ने कहा तो माँ मैं तुम्हें हे स्वर्णकारी मैं आज तुझे नमस्कार करके ब्रह्मांड में घूमने जा रहा हूँ और ब्रह्मांड में मैं विजय प्राप्त करके आऊँगा, इसका आशीर्वाद मुझे प्रदान करो। रावण देवताओं के राज्यों में गया, सारे राजाओं के पास गया, जहाँ भी जाता था दो ही बातें बोलता था, युद्ध करो और मुझे हराओ, नहीं तो हार मान लो, नहीं तो मैं मारती जाऊँगा। बहुत सारे राजा तो रावण को देखते ही अपनी हार मान लेते थे और उसको अपना राज्य सौंप देते थे और जो युद्ध किए वो लोग हार जाते थे। इस प्रकार रावण जीते हुए आ रहा था। इसमें दो लोग नहीं हारे, उसमें एक थे विष्णु भगवान के सुदर्शन अवतार कार्तिकेय अर्जुन, जिन्होंने रावण को बंदी मान कर रखा था अपने पास और पुरुष के कहने पर कि रावण को छोड़ दे, उसको पता नहीं है, उसने छोड़ दिया था। एक कार्तिकेय अर्जुन था, दूसरा था वाली। वाली ने रावण को अपने दोनों बाहों में बांधकर उसको बांध के रखा था और पुरुष के महर्षि के कहने पर ही छोड़ दिया था। जब रावण स्वर्णकारी के पास आए और कहने लगे कि ये क्या तुम्हें मैं इतनी पूजा करने के बाद भी कार्तिकेय अर्जुन ने मुझे हराया, वाली ने भी मुझे हराया, तो वाली सूर्य पुत्र था इसलिए तुम वाली से हार गए, कार्तिकेय अर्जुन साक्षात विष्णु के अवतार थे इसलिए तुमसे हार गए, मैंने पहले ही कहा था कि तुम ऐसे लोगों के साथ मत जाया करो। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं ऐसी बात नहीं मानने वाला, मुझे कुछ ऐसा दो कि मैं इस संसार में हारो ही नहीं, इसके लिए क्या करना होगा। तो ऐसा तो वर्ण ही नहीं, लेकिन एक बात जरूर कहती हूँ, तुम्हें जो भी वैर भाव से देखेगा, शत्रु भाव से देखेगा या तुम्हारे को मारने के लिए जिसने जन्म लिया है वो कभी सुखी नहीं रहेगा। इतना वरदान देती हूँ, वो कष्ट अनुभव करेगा, उसको ऐश्वर्य नहीं होगा, वो दरिद्रता अनुभव करेगा। तब रावण ने कहा, रावण ने एक स्तोत्र पढ़ा काली के बारे में, उसे आज भी वही मारक कवच के नाम से जाना जाता है। जो वह स्तोत्र पढ़ता है वह संसार में किसी से हारता है, कोई उसको हरा सकता है, और जो भी उस स्तोत्र को पढ़ने वाला है उसका शत्रु कभी भी दरिद्र होता है, उसको भी उसकी दरिद्र सौंपते हैं, वो कभी ऐश्वर्य को अनुभव नहीं करता। ऐसी बात क्या हुई, अभी आपको उदाहरण के लिए देता हूँ। साक्षात राम होकर भी जब सीता स्वयंवर में रावण भी गए थे और रावण भी शिवधनुष उठा नहीं सके और हार गए और सीता को रामचंद्र जी के साथ विवाह हुआ, तो रावण को लगा कि ये मेरा शत्रु है, इसने सीता को वरण कर लिया है, सीता के साथ इसने शादी कर ली है और मैं यहाँ हार के जा रहा हूँ, शिवधनुष को मैं उठाने लगा। तभी से रावण के मन में ये था कि राम मेरा शत्रु है, लेकिन राम ने कभी ये नहीं समझा था कि ये मेरा शत्रु है, और उसने जब से आया उसके मन में यही बैठा हुआ था कि ये मेरा शत्रु है और वो वही मान के उसका पाठ करता। आपको पता है जैसी ही शादी हुई सीता घर को आई, पट्टाभिषेक के मन में ही मंथरा ने ये बात कैकेयी को कही और कैकेयी ने राम को वनवास भेजा जैसा ही सीता की शादी हुई, क्योंकि रावण उस स्वर्णकाली के पास वही मान पहुँच पड़ता था और राम वनवास को प्राप्त किए। राम जैसा विष्णु ही उस काली की आराधना करने से उसका शत्रु अगर जंगल जंगल घूमता है, जंगलों में पर्ण मुक्ति में रहता है, क्योंकि राज्य में बड़े राज्य अयोध्या के राज्य में रहने वाला राम भी वनवास अनुभव करता है और सीता को लेकर वनवास में रहता है, उनके भ्रष्टु अपने भाई भी बाहर बैठे हुए रहते हैं जिनको 14 साल का वनवास भोगना पड़ा, ऐसे उस वैरी मार्ग पर जो स्वर्णकाली की साधना करने वाले रावण ने अपने वैरी को भी उस तरह कहा था। इसलिए कहते हैं कि इस स्वर्णकाली की साधना करने वाले साधक को कोई हरा नहीं सकता, उसको वो कितना भी श्रेष्ठ से श्रेष्ठ साधक हो उसको कोई हरा नहीं सकता, वो जीत कर ही बाहर आता है और अपने घर में कितने भी उसके भाग्य में दरिद्रता हुई हो। हम बहुत सारे लोगों को ये कहते हुए सुनते हैं कि गुरु जी मेरा काम नहीं हो रहा है, मैं भय हूँ, बहुत पैसों के साथ ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ, मेरे पास लक्ष्मी नहीं आ रही है, नौकरी नहीं है, लेकिन जिसके घर में स्वर्णकाली की साधना हुई, स्वर्णकाली प्रत्यक्ष हुई, आज रावण के 4 भाई कुंभकर्ण हो, विभीषण हो, रावण हो या उसकी बहन शूर्पणखा हो, ये सभी सोने की थाली में सोने की लंका में निवास करते थे और
जब एक बार कुंभकर्ण ने अपनी तपस्या के बाद इंद्रा देवी को सरस्वती माता के कहने पर प्राप्त किया था, तो रावण को कुंभकर्ण कहता है कि हे भाई मुझे बहुत नींद आ रही है। तो उसने क्या कहा, वो तो स्थूल काय खाएगा। उसके लिए कहते हैं कि रावण ने एक पलंग बनवाया, उस पलंग को कम से कम उस जमाने में 1000 मन का एक पलंग बनवाया उसने, जिसने बढ़िया रखते हुए कुंभकर्ण को सोने के लिए दिया। कहते हैं जमीन के आज भी लंका के कुछ समुद्र के भाग में यह पलंग है, जहाँ कोई भी जाता है चाहे जहाज पे जाए वहाँ नींद को आ जाती है सभी को, ऐसा कुंभकर्ण का पलंग आज भी पड़ा हुआ है ऐसा कहते हैं। हमने देखा कि यह रावण ने कुंभकर्ण के लिए बनाया था। कुंभकर्ण का नाम भी लो तो एक स्तोत्र कहा गया है, कुंभकर्ण नाम लो तो नींद नहीं आती तो नींद आ जाती। लेकिन ये सभी चीजें मंत्र के माध्यम से हो या तंत्र के माध्यम से हो अपना अपना श्रेष्ठता रखती है। लेकिन यहाँ श्रेष्ठता इस बात की कह रहा हूँ कि स्वर्णता के नाम के काली की आराधना करने के बाद रावण जब श्रेष्ठ हुए, रावण ने रामचंद्र जैसे कि जैसों के भी जो देवता है उनको भी वनवास अनुभव करने लगाया, और कोई जब इतने महान होने पर भी उनको वनवास अनुभव करना पड़ा, यानी एक मानव में परकुटि में रहकर पत्ते आदि फल आदि खाकर जीवन बिताने लगे, तो उस स्वर्णकालीन की साधना की श्रेष्ठता कितनी हुई। लेकिन हुआ ये कि लक्ष्मी रूपी सीता को जब रावण उठा के अपने पास लाए और उनकी आंखों से बूंद लंका में गिरी, रावण का नाश आरंभ हो गया, वहाँ से स्वर्ण लंका से आरंभ हो गया। और वह जब एक एक करते हुए और महारत्न रूपी हनुमान जी ने जब लंका में प्रवेश किया रावण का अंतर हो गया, जो कि स्वर्णकाली ने यह बात कही थी कि जब वो प्रवेश करेंगे तो अंतरांत हो जाएगा। कहते हैं कि स्वर्णकाली की साधना जो करने वाले हैं स्त्री हो पुरुष हो अपने घर में कभी स्त्री को रोने नहीं देना, लक्ष्मी रूपी अपनी स्त्री को नहीं देना, वो ऐश्वर्यवान जरूर बनेगा, वह अपना पैसे धन ऐश्वर्य और सारे लोगों को जीतने वाला कहलाया जाएगा। अपनी पत्नी या किसी अच्छी स्त्री को अपने घर में रोने नहीं देना, वह नित्य ऐश्वर्यवान बनता ही है, उसको किसी प्रकार की कमी नहीं पड़ती। यह साक्षात शिवजी का और स्वर्णकाली का आशीर्वाद है। इस मंत्र को इस साधना को रावण संहिता में रावण बताता है कि यह ब्रह्मा प्रदत्त और माता स्वयं लक्ष्मी ने कहा है कि ये स्वर्णकाली की साधना जहाँ होती है वहाँ मैं प्रसन्नता के साथ रहती हूँ, लेकिन जो मेरी आंखों में आंसू लाता है मैं उसको प्रसन्न कभी नहीं होती। और आज भी लंका में शंकरी के नाम से जानने जाने वाली वह देवता वह स्वर्णकाली आज भी विराजमान है। अगर लंका कभी जाओ तो शंकरी माता का शक्तिपीठ है, वहाँ स्वर्णकाली है और वहाँ स्वर्णकाली की सिद्धता है। आज हमारे भारत में भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ की हम कुछ चीज़ों को प्राप्त हैं। कहते हैं स्वर्णकाली की साधना में स्वर्णकाली के चरणों पर तीर्थ डालकर अगर हम स्वर्णकाली की साधना कम से कम 40 दिन करते हैं तो ऐसा होता है कि हमारे जीवन में पुत्र पुत्रों की जिसकी शादी नहीं हुई उसकी शादी होती है, जिसको इस संसार में जिसका संतान नहीं हुआ उसकी तीर्थ होने से संतान प्राप्त होती है, और उस घर में स्वर्ण की कमी नहीं होती सोने का घर बन जाता है, जिसमें सोने का घर का मतलब अर्थ होता है स्वर्णमय घर बन जाता है, और स्वर्ण का घर सवर्ण अच्छे वर्ण वाला अच्छे श्रेष्ठता प्राप्त करने वाला, इस स्वर्णमय जगत को देने वाली प्रदान करने वाली स्वर्णमय कालिका स्वर्णकालिका नाम से जानी जाती है। इस स्वर्णकाली के बारे में आपने गुह्यकाली भद्रकाली दक्षिणकाली महाकाली नग्नकाली इस कालियों के नाम सुने होंगे। ये स्वर्णकाली की आराधना करने वाला रावण था और कुबेर था, इस पुरुष की बाद इसके बाद इसकी साधना अन्वेषण करें। और जब लंका में रावण को हराने के बाद रामचंद्र जी आए, उन्होंने रामचंद्र जी ने तब प्रार्थना की, हे स्वर्णकाली तुमने रावण को इतना सुख ऐश्वर्य दिया, इस ऐश्वर्य को देखकर लक्ष्मण जी कहते हैं रामचंद्र जी को कि देखो यहाँ स्वर्ण लंका है, हमने तो इसको जीत लिया है हम यही रहेंगे। तब राम कहते हैं जननी जन्मभूमि से स्वर्गारे से, हे लक्ष्मण अपने इस स्वर्ण लंका से उतरकर अपनी भूमि ही श्रेष्ठ है, अपनी जननी जन्मभूमि ही श्रेष्ठ है, हम वहीं जाएंगे। लेकिन तब कहते हैं कि उन्होंने कहा, तब विभीषण कहते हैं कि मैं इस स्वर्णकाली को हे राम लोक कल्याणार्थ मैं इसका भाई हूँ यह आपको देता हूँ, लेकिन इसके बदले में आप मुझे क्या देंगे। तब राम कहते हैं कि तुम्हारी कुलदेवता और स्वर्णकाली को लक्ष्मण की इच्छा पर मैं स्वर्णकाली को तुम्हें देता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें मेरे अयोध्या धाम के मेरे कुलदेवत को जो श्रीरंग है उसको मैं तुम्हें प्रदान करता हूँ। कहते हैं कि उस भगवान में श्रीरंगनाथ के उस मूर्ति को अयोध्या से लेकर जब विभीषण ला रहे थे तो उनको दाह हुआ और वे कावेरी के तट पर एक जगह रुके,
रुकने के बाद उन्होंने कहा कि जहां तुम रुकोगे, जहां इस मूर्ति को नीचे रखोगे, मैं वहीं स्थापना हो जाऊंगा। और विभीषण की स्थापना करी। आज श्रीरंगपट्टनम जो कावेरी नदी के किनारे है, वो अयोध्या धाम अयोध्याधीश है, अयोध्या के कुलदेवत है। वही श्रीरंग जो रघुवंश में जिनकी पूजा होती थी, वो उनको दिया स्वर्णकाली की, स्वर्णकाली को उन्होंने श्री रामचंद्र जी को दिया। तो रामचंद्र जी ने कहा मेरे साथ साक्षात सीता है और मैं सीता को लेके जा रहा हूँ, स्वर्णकाली यहीं रहने दो, मैं सीता को लेके जाता हूँ। तब स्वर्णकाली जो थी उन्होंने अपने आप को थोड़ा सा दुख अनुभव किया और रामचंद्र जी को कहा कि तुम अपने को मेरे साथ अगर ले जाते तो तुम्हें सारा ऐश्वर्य प्रदान कर दी, तुम मुझे क्यों नहीं ले जा रहे। राम ने कहा सीता रूपी लक्ष्मी मेरे साथ है, वो मेरे साथ आती है, तुम्हें मुझे इससे क्या कमी होगी, मैं तो इसको लेके जा रहा हूँ। लेकिन हुआ ये कि रामचंद्र जी जैसे ही स्वर्णकाली को नहीं लेके गए, बात का तो आपको सभी पता है, सीता छोटी, सीता वनवास गई, लव कुश हुए और इन सारी चीज़ों को हुआ, इन सारी चीज़ों को आप देखते रहे। लेकिन राम के बनने के बाद स्वर्णकाली की आराधना विभीषण अयोध्याधीश बनाने के लिए जब गए, स्वर्णकाली ने कहा कि मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। तो उसकी आराधना केवल रावण जानता था, राम के बाद रावण का पुत्र मेघनाथ जानता था, कुंभकर्ण तो सोया हुआ रहता था और विभीषण तो विष्णु भक्त था। इसलिए स्वर्णकाली की साधना होने से बाद की साधना को सप्त ऋषियों ने किया, विश्वामित्र ने भी इस साधना को संपन्न किया, जिस स्वर्णाम की साधना के नाम से जाने जाते हैं। और जो इस साधना करते हैं वो संसार में, यानी हम लक्ष्मी को प्राप्त करने के लिए हजारों साल तपस्या करनी पड़ती है, हम दूसरे किसी देवता को धन धान्य ऐश्वर्य को प्राप्त करने के लिए 100-100 साल तपस्या करनी पड़ती है, तारा को प्राप्त करने के लिए वशिष्ठ महर्षि ने हजारों वर्ष तपस्या की है। लेकिन एक स्वर्णकाली ही ऐसी देवता है, वो निश्चित रूप से कुछ ही दिनों में प्रत्यक्ष होकर अपने को सभी प्रकार का ऐश्वर्य हमें इसलिए चाहिए, हम अच्छे मनुष्य हैं, अच्छे लोग हैं, तो हमें ऐश्वर्य इसलिए चाहिए कि हमारे लिए नहीं, हम अगर लोक कल्याण करें कर सके, गुरुकार्य कर सके, गुरुकार्य करने के लिए सामर्थ्य चाहिए, हम किसी के साथ नहीं हारें, हमारा संसार हमारे वश में हो, संसार हमारी बात सुने, हम देवता मंदिर बना सके, चार लोगों को खाना खिला सके, अन्नदान कर सके, इस सारी चीज़ों के लिए हमारे में सामर्थ्य चाहिए। और वो सामर्थ्य केवल और केवल स्वर्णकाली के माध्यम से जो जल्दी से जल्दी प्राप्त हो। हम दूसरे साधनाओं में बहुत सारे दिनों के बाद, बहुत सारे लोगों के बाद, बहुत सारे ऐश्वर्य के बाद देखते हैं कि हमें लक्ष्मी प्राप्त होती है, धनधान्य ऐश्वर्य नौकरी प्राप्त होती है। लेकिन स्वर्णकाली ही साधना एक ऐसी साधना है जिसको स्थापन करने के मात्र से उस दिन से लेकर 11 दिन के अंदर अंदर उस घर में स्वर्ण आना आरम्भ हो जाता है। ऐसा साक्षात विश्वामित्र जी कहते हैं। विश्वामित्र जी ने एक बार कहा था, विश्वामित्र जी के सारे शिष्य एक बार जा रहे थे, तो उन शिष्यों ने कहा कि घोड़े को जो चने दिए जाते हैं, घोड़े को जो चना डाला जाता है उनको खाने के लिए नहीं था। तो विश्वामित्र ने शिष्यों को जाते हुए कहा खाने को कुछ नहीं है महर्षि, हम आपके साथ हैं, हम शिष्य हैं, वो भी देखो वशिष्ठ आश्रम, देखो वशिष्ठ आश्रम में कामधेनु है, कल्पवृक्ष है, वहाँ जो चाहे वहाँ मिलता है, जो चाहे वहाँ सब प्राप्त होता है, और हमारी स्थिति देखो तुम्हारे शिष्य होकर हम किस तरह तड़प रहे हैं। विश्वामित्र को धक्का लगा। विश्वामित्र ने कहा ऐसी बात है, मैं तुम्हें 5 दिन के अंदर अगर नहीं किया तो तुम्हें देखो मैं कैसा करता हूँ। और उन्होंने 5 दिन में साधना की, इस स्वर्ण तारा के नाम से जाना जाता है, और कहा हे लक्ष्मी आज मैं तुझे अवगत रखता हूँ, मेरे आश्रम में तुझे बांध कर रखता हूँ, इसलिए कि मेरे शिष्य ऐसी दरिद्रता अनुभव ना कर सके। और तब लक्ष्मी माता ने कहा तुम मुझे अवगत करने से भी पहले अगर स्वर्णकाली को तुम्हारे घर में स्थापन करते तो तुम्हारे आश्रम में स्वर्ण ही स्वर्ण होगा। और कहते हैं कि 5 दिन के अंदर उन्होंने उस स्वर्णकाली को सिद्ध किया और अपने आश्रम में स्वर्ण की ईंटें लगाई और शिष्यों को स्वर्ण की थाली में खाने को दिया। इस प्रकार की स्वर्णकाली की साधना और शांत केवल 5 दिन की साधना को सिद्ध किया था। ऐसी साधना है जिस साधना को हम लोग कल्याण करना चाहते हैं, गुरु जी की सेवा करना चाहते हैं, मंदिर बांधना चाहते हैं, अपने बच्चों को अच्छी तरह देखना चाहते हैं, अपनी पत्नी को अच्छी तरह देखना चाहते हैं, लेकिन साधना करते करते अपने जीवन गुजर जाए लेकिन वो पैसा नहीं आता ना वो कार्य हम कर सकते क्योंकि हमारी असमर्थता है, हमारी अशक्तता है, हम इन चीज़ों को नहीं दे सकते। तब जिस वैदिक मार्ग को जो स्वर्णकाली के मंदिर में स्वर्णकाली के यंत्र के सामने, स्वर्णकाली की पूजा के सामने जो वैदिक मार्ग को उसका 1000 बार पाठ करता है उससे वैरी ही कोई नहीं, उसके दुश्मन ही कोई नहीं होते और उसका दुश्मन कहने वाला कोई दिखता ही। इस प्रकार इस साधना को बहुत आज तक आपने बहुत सारी काली माता की साधनाओं को या सुना होगा, दक्षिण काली है जिसका सवाल आप कर रहा है, महाकाली है जिसका भी सवाल आपने जब करना है, गुह्य काली है, कामकला काली है, इस प्रकार बहुत सारी माता काली का देवियों के साधनाएं हैं और उन साधनाओं को करते करते हमारे में उसमें निष्ठाएं,
लेकिन स्वर्णकाल की साधना में कुछ निष्ठा नहीं, कुछ भी करना नहीं, केवल मंत्र जप मात्र से और यंत्र की स्थापना मात्र से माता प्रसन्न हो जाती है। और तुम्हारे घर में जो उसके घर में वो यंत्र या माता काली के चरण स्थापित हुए उस घर में स्वर्ण की वर्षा होती है, ऐसा उन्होंने आशीर्वाद दिया और इसी ही साधनाएं करने लगे। इसी कारण जो आपको पता है कालिदास पूर्ण थे, उनको बात भी नहीं कर, कवि कोई कवित्व नहीं था, कुछ नहीं था, वो बचपन से मूर्ख कहलाते थे। ऐसे कालिदास को जिस ऋषि ने उनके जबान पर इस मंत्र के बीज को ले लिया, जो काली मंत्र के बीज को लिखा, और उन्होंने देखा कि काली बीज के मंत्र को पढ़ने के बाद जो कालिदास कवित्व करने लगे, उस कवित्व ने उन्होंने स्वर्णकाली साधना की और स्वर्णकाली साधना के साथ वो नवरत्न में से कहलाए है, उसके लिए उनका नाम कालिदास कहा गया, कालीचरण कहा गया। आज लक्ष्मी चिंचरा है, आती है और चली जाती है, लेकिन काली जहाँ स्थिर होती है तो वहाँ स्थिर होती है। आपने देखा है आज तक कोई बैठी हुई काली कहे कहीं आपने देखी है? काली खड़ी ही रहती है, और काली महाकाली जहाँ खड़ी हुई है, स्वर्ण काली जहाँ खड़ी हुई है, जिसके चरण दिख रहे हैं, काली के चरण दिखते हैं, बाकी देवताओं के कभी कभी चरण छुपा कर रखते हैं, इस चरण को देखने नहीं देते, बाकी देवताएं बैठे हुए होते हैं, केवल काली ही खड़ी हुई दिखती है आपको। और जिस घर में स्वर्ण काली अपने चरणों को बताते हुए खड़ी हुई है, स्वर्ण उसके स्वर्णमय चरण बैठे हुए हैं, वहाँ उस घर में साक्षात शिव का वास होता है। और क्यों? कि माता काली के चरणों के नीचे शिव जी हैं, आपको पता है शिव जी माता, उसमें क्या है, जहाँ बायां पांव रखा हुआ है वह वाम मार्ग के नाम से यानी अघोर स्मशान में रहने वाली का ये, और जहाँ उसका माता काली का दक्षिण पांव रखा हुआ है वह संसार के सुखी लोगों के लिए रखा हुआ है, जैसे नीचे शिव है, तो वहाँ दक्षिण पांव जिस काली का शिव जी के ऊपर रखा हुआ है, ऐसी काली गृहस्थ के रुद्र में रहेगी तो वह संपन्नता के साथ साथ ऐश्वर्य प्रदान करती है। जहाँ माता काली के स्वर्णमय चरण जिस गृहस्थ के घर में होते हैं, उस घर में स्वर्ण भरा हुआ होता है, सौभाग्य भरा होता है, उसके घर में शत्रु उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं बता सकते, कोई रोग ना नहीं सकते, और काया का वाला वृद्धि बन जाता है, क्योंकि माता काली के चरण के नीचे शिव जी बैठे हुए हैं और वो शिव और काली दोनों का हमारे घर में स्थापन हो जाता है, और इसे ही स्वर्ण काली कहा गया। जिस शिव जी के ऊपर माता का माँ और बायां पांव रखा हुआ है उसे वाम मार्ग वाली अघोर काली स्मशान काली कहा गया है, और जिसके ऊपर दायां पांव रखा हुआ है दक्षिण काली कही गई है, और उसकी घर में स्थापना और उसकी पूजा करने से वो स्वर्ण काली कहलाएगी। उस काली को भी जिसके चरण स्वर्णमय हो, ऐसी काली की स्थापना अगर आप आज दक्षिण में जाते हैं, दक्षिण भारत के लोग जाते हैं, तो आपको हर घर में वास्तु दोष निवारण के लिए माता काली के दो चरणों को जो स्वर्णमय चरण है उसको घर के वास्तु में घर के दरवाजे पर बांध देते हैं, और उस घर में जिस घर में स्वर्णमय काली के चरण है उस घर में स्वर्ण आदि बहुत पाया जाता है। आप इसका उदाहरण भी देख सकते हैं, और काली की इस धारणा को आज के कलयुग में यह काली के इस चरण को स्थापना इस चरणों की आराधना बहुत श्रेष्ठ मानी गई। क्यों आपको बताता हूँ, काली कोयला इसके बिजनेस करने वालों को, लोहा इसकी बिजनेस करने वालों को, पेट्रोल इसकी बिजनेस करने वालों को इसकी आराध्या कहलाई गई है। और आज अगर हम पूरे संसार में देखा जाए तो ये तीनों लोग ही धनवान, पेट्रोल का काम करने वाले, पेट्रोल से जो रक्षित आपको बताया नाम नहीं लेता, जो पेट्रोल से काम करने वाले चाहे दुबई हो और कहीं भी हो, वो स्वर्ण परसों एक फेसबुक पर मैं देख रहा था, वो मर गया था, उसके ऊपर सोने का शव डालते हुए उसके शव को स्वर्ण पेटी हुआ था, जिसकी कार भी सोने की नल की टूटी भी सोने की लगी, ऐसी दुबई में ऐसे लोग स्वर्ण से मिले जो पेट्रोल का काम कर पेट्रोल की आदि चलते देवता काली है। आज देखिए कोयले के खानदान में जितनी गड़बड़ी हुई आप जानते हैं, कोयले के अधिपति देवता जो कोयले का बिजनेस करते हैं वो श्रेष्ठ है, जो लोहे का बिजनेस करते हैं पित्तल लिए वो भी श्रेष्ठ है, इस सबसे इसकी आराध्या काली के जाएगी। जहाँ कोयला हो, जहाँ बीवा हो, जहाँ कालापन हो, उसकी आराधना कलयुग में श्रेष्ठ कराएगी। बाकी सोने के व्यापारी कोई श्रेष्ठ है धनवान है ऐसा कहीं नहीं सुना होगा, पेट्रोल के व्यापारी धनवान, लोहे के व्यापारी धनवान, कोयले के व्यापारी धनवान है, और वह स्वर्ण काली का यह जो मंत्र है यह जहाँ भी इसका इसकी स्थापना हुई इसकी आराधना हुई वह श्रेष्ठ कहलाएगी। इस कालेपन की श्रेष्ठता आज आप शबरीमले जाओ काले कपड़े का डालकर जाते हैं, इसके पीछे क्या है, शनि के साथ साथ वह धनवान को बनाती ही बनाती है, उसके साथ ऐश्वर्य भी प्रदान करती है, ऐसी स्वर्ण काली की साधना इस कलयुग में श्रेष्ठ कहलाएगी। यह साधना अभी तक कभी किसी को नहीं दिया, लेकिन मेरे आपको मेरा स्वार्थ है या मैं चाहता हूँ कि चंद्रपुर में
साधना स्थली बने और उसके लिए यहाँ के आयोजन यहाँ के साधन ऐश्वर्यवान बने और कहे कि हमने ये कार्य किया है। उस दिन उसी उस स्थल में मैं स्वर्ण कार्य की स्थापना करके जाऊंगा और आपको बता दूंगा कि इस कार्य की साधना किससे करना है। आपको वहाँ उस स्थान के उस स्थान में साधना स्थली बना के दिखाऊंगा क्योंकि स्वर्ण यंत्र में स्वर्ण कार्य की ही श्रेष्ठता है। जिस घर में यह कार्य स्थापना हुई उस घर में महालक्ष्मी महासती महाकाली का स्थान रहता ही है। काली महाकाली जिसके भी महाकाली के रूप में वो कालिदास को कवित्व करके फिर पैसा प्रदान किए थे। रावण को स्वर्णकाली बनकर प्रसन्नता प्रदान की थी। रामकृष्ण परमहंस को महादक्षिणकाली बनकर उसने आपको प्रसन्नता दी थी और जिस वाणी के साथ संसार भर में उन्होंने अपना अपनी प्रसन्नता अपनी यशस्वी को गाया था। संसार में दक्षिणकाली की पूजा करने का रामकृष्ण परमहंस और उनके शिष्य व्यवहार संसार भर में प्रसिद्ध कैसे आपको सबको पता है। इसमें कोई मांस खाना मदिरा पीना बलि देना ऐसी कुछ नहीं। स्वर्णकाली केवल घर में लक्ष्मी रूप से स्थापना थी। वो खड़ी है और खड़ी अपने दो चरणों को बताती है। जिस घर में इस यंत्र की स्थापना हुई या इस स्वर्णकाली के चरणों को अपने घर के दरवाजे पर लगाया जाता है उस घर में स्वर्ण की वर्षा होती ही है। एक वर्ष में उस घर में कितना भी दरिद्र हो स्वर्ण आएगा ही आएगा ये मेरी गारंटी नहीं आएगा मेरा पैदल। क्योंकि इस साधना को मैंने देखा है इस साधना को मैंने अनुभव किया है और आपको भी कहता हूँ आप असमर्थ ना आइए। मेरी हर कोशिश यही रहती है कि मेरा शिष्य असमर्थ रहिए। मेरे शिष्य जी के सामने याचना ना करे भीख नहीं मांगे। वो मांगे तो अपने गुरु के सामने कुछ भी मांगना है तो अपने गुरु को मांगे और गुरु देता रहे। ये गुरु शिष्य का संबंध है। और जो गुरु शिष्य से कुछ मांग कर जीता है या शिष्य के बल पर जीता है वो गुरु नहीं कहलाता। मेरे दृष्टि में अगर साधनाओं में बल है तो तुम खड़े रहकर जी के बताओ। तुम लक्ष्मी को प्राप्त करो तुम ऐश्वर्य को प्राप्त करो तुम शत्रु का निवारण करो रोगों का निवारण करो। तुम में वो सामर्थ्य है तो शिष्यों में सामर्थ्य मांग करने की शक्ति रखते हो। अगर तुम शिष्यों से लेते हो और शिष्यों के ऊपर जीवन गुजारते हो तो वो गुरु तत्व नहीं। मैंने पहले भी बताया आज बता स्वयं श्री कृष्ण अपने गुरु के पास जाकर क्या कहते हैं कि मैं तुम्हारे पास आया हूँ गुरु मैं तुम्हारे पास विद्या सीखी है मैं तुम्हारे पास बिना दक्षिणा के विद्या को लेकर नहीं जाऊंगा। ये शिष्य का कर्तव्य शिष्य कहना चाहिए कि हे गुरु मैं आपको दक्षिणा देना ये बगैर मैं आपसे कुछ नहीं लेना चाहता। और शिष्य जब तक गुरु को दक्षिणा नहीं देता वो शिष्य नहीं कहलाता। लेकिन गुरु को श्रेष्ठ है तू देख मैं लेना नहीं चाहता तू तेरी जगह लाभ हो तेरे पास ले जा मैं तेरे से मांगता नहीं ये कहने वाला गुरु है। अगर गुरु के पैसों पर जीने वाला गुरु है तो गुरु नहीं कहलाता। यही बात मैंने लास्ट में बताई कि आप बाहर बता रहा हूँ अगर नए लोग हैं शांति में महावीर महामुनि कृष्ण के गुरु थे। शांति में महामुनि के बाद जब विद्या संपन्न हुई तो कृष्ण गए और पूछे कि प्रभु मेरी विद्या पूर्ण हुई है अब मैं आपको गुरुदक्षिणा लेकर जाना चाहता हूँ। तो शांति में महामुनि ने कहा कि कृष्ण तू मेरे पास सीखा है अच्छी तरह ज्ञान प्राप्त किया है इससे बढ़कर मुझे कुछ नहीं चाहिए मैं तुझे मेरे पास विद्या प्राप्त की है मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ। बार बार कृष्ण कह रहे थे कि मेरे पास मैं दक्षिणा दिए बस आपको विद्या नहीं लेके जाना देता हूँ। बार बार गुरु कह रहा था मैं तुझसे कुछ लेना नहीं चाहता मैं तुझसे संतुष्ट हूँ। ये गुरु शिष्य का संबंध है। जब कृष्ण अड़कर खड़े रह गए कि मैं तुम्हें कुछ दिए बगैर नहीं जाऊंगा तो तब शांति भाई महाराज ने कहा मैं तो संतुष्ट हूँ। हाँ अर्धांगी कहा गया है मेरी पत्नी है वो भी अर्धांग तो मेरे कुछ नहीं चाहिए ऐसा बोला। अगर पत्नी कुछ चाहती है तो तू जाके पत्नी से पूछ अगर वो गुरु दक्षिणा लेना चाहती है तो उसको दे दे मुझे मेरे पास से कुछ नहीं चाहिए। जब कृष्ण गुरु माता के पास गए और कहा कि भगवान सद्गुरुदेव जी ने मुझे ये कहा है कि आपको पूछने के लिए कहा कि आपको मैं गुरुदक्षिणा देकर ही विद्या लेकर जाता हूँ बिना गुरुदक्षिणा के मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। तब गुरु माता ने कहा कि मुझे भी कुछ नहीं चाहिए बेटा गुरु की कृपा से सब तुम्हारे गुरु की कृपा सब संपन्नवान है लेकिन फिर भी माँ मैं बिना दक्षिणा के नहीं जाऊँगा आप बोलो क्या चाहिए। तो उन्होंने कोई ऐश्वर्य नहीं मांगा वो रोती हुई अपने आप से मुझे इस संसार में एक ही कमी है कृष्ण मेरे 8 साल का पुत्र था वो समुद्र के गर्भ में गया था और वहां जाकर वो चला गया मर गया। अगर तुम मुझे गुरुदक्षिणा देना चाहते हो तो मेरे पुत्र को मेरे को ला के दे दो। कृष्ण प्रभु रह गए आश्चर्य के साथ रह गए और कैसे पुत्र को किस तरह लाया जाए गुरुदक्षिणा ऐसी मांगी कि जो नहीं दे सकती। लेकिन कृष्ण फिर भी कृष्ण थे उन्होंने कहा कि ऐसी गुरुदक्षिणा तुम्हें प्रदान करूंगा माँ तुम्हें संतुष्ट करूंगा तो ही मैं ये विद्या को यहाँ से ले जाऊंगा तुम्हारे चरण से नहीं तो मुझे ये विद्या मेरे रास नहीं आएगी मैं इस विद्या को नहीं ले जाऊंगा नहीं ले जा सकता। और कृष्ण गए और उन्होंने पहले यमधर्मराज को अपमान किया और कहा कि मेरे गुरु का पुत्र कहाँ है
तो घबराकर कहने लगे कि तुम्हारा पुत्र मेरे पास नहीं है, तुम्हारा पुत्र समुद्र के गर्भ पास गया, वहां शंखचूड नाम का राक्षस है, उस राक्षस ने उसको निगल लिया है। समुद्र के पास गए और कहा कि हे शंखचूड, तू बाहर आ जाओ, मेरे गुरु पुत्र को तू मुझे लौटा दे, अगर नहीं लौटा देता है तो समुद्र को सुखा दूंगा और तुझे टुकड़े टुकड़े करके मार दूंगा। तब वो शंखचूड बाहर आया और उन्होंने कहा कि मैंने लिया है, दोनों का युद्ध हुआ। श्री कृष्ण ने शंखचूड को जब दबाकर उनको मारने के लिए गया तो शंखचूड ने कहा मुझे छोड़ दो प्रभु, मुझे छोड़ दो, मैं उनके प्राणों को जिस शंख में रखा हूँ वो प्राणों को मैं लेता हूँ। कृष्ण ने उन प्राणों को उठाया लाए और बाहर आकर उन्हें मिट्टी से पुतला बनाया और उन प्राणों को उसमें रखकर प्राण प्रतिष्ठा की। उस प्रकार उस गुरु का पुत्र जिंदा किया, उस गुरु पुत्र को लिए अपने गुरु के पास आए। गुरु के पास आकर कहने लगे कि प्रभु ये तुम्हारा गुरु पुत्र, अग्नि आंसू बह रहे थे गुरु की आंखों से और गुरु माता के अनुसार, कृष्ण ऐसी गुरु दक्षिणा संसार में किसी ने नहीं दी जो तुमने आज दक्षिणा प्रदान की है। मैं कहता हूँ जब तक सूर्य चांद रहे तब तक तेरा नाम रहेगा कृष्ण, मैं ऐसा आशीर्वाद देता हूँ, ऐसे गुरु जी ने अपने श्री कृष्ण को कहा और कृष्ण इस संसार में कृष्ण मंदिर जब गुरु के नाम से प्रसिद्ध हुए। आज कृष्ण है, कृष्ण कहते हैं, कृष्ण इस आदमी कहता है कि जब तक गुरु को दक्षिणा नहीं दी जाती तब तक विद्या ग्रहण नहीं सकते, विद्या प्राप्त नहीं हो सकती, और कृष्ण के गुरु थे कृष्ण, मुझे तुझ तेरे पास से कुछ नहीं चाहिए। ऐसे गुरु शिष्य का संबंध होता है, शिष्य के पास से गुरु कुछ ना ले और शिष्य अपना सब कुछ गुरु को दे सके। इस गुरु शिष्य का संबंध जहाँ है वह गुरुकुल, वह गुरु श्रेष्ठता, वह श्रेष्ठता आज भी बनी रहे, आज भी है। अगर गुरु शिष्य पर आधारित जीवन जीता है तो गुरु कहलाता नहीं, गुरु में सामर्थ्य चाहिए, गुरु ऐसा चाहिए। आज बस शिक्षा में तो कोई भी हो, जबरदस्ती मामनी के पास आमधीरथ, जिनके पास कर्तृक्ष था वो जो चाहते रहते थे, लेकिन खुद सूखी रोटी खा कर लेते थे, खुद झोपड़ी में रहते थे, लेकिन राजा महाराजा आते हैं तो आमधीरों को बुलाकर अप्सराओं को परस्पर सोने की थाली में खाना खिलाते थे अतिथियों को। वह सामर्थ्य था, उनके पास श्रेष्ठता थी। आज ऐसी शिक्षा परंपरा चली गई, ऐसी आजकल ऐसी गुरु परंपरा चली गई। कभी कहते हैं इस संसार में तीनों बातें याद रखो, देवता, गुरु और छोटा बच्चा या छोटी बच्ची कुमारी, इनके सामने कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। जो खाली हाथ गया वो कितना भी देर खाली हाथ ही लौटेगा। गुरु के पास, देवता के पास और छोटे बच्चों के पास जो जाते हो, जो एक साल के पुत्र पुत्री के पास खाली हाथ नहीं, उनके हाथ में कुछ ना कुछ रखना चाहिए, तो तुम पूर्ण हाथ के साथ पूर्ण ईश्वर के साथ बाहर लौटोगे और इनको देकर लौटोगे। यह संसार की देन है, यह चाणक्य कहता है। चाणक्य नहीं, इस संसार में ब्रह्मा विष्णुश्वर ऋषि कहते हैं कि कभी गुरु को खाली हाथ जाकर मिलना नहीं चाहिए और किसी बच्चे को किसी देवता घर में खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। तो कितना भी लोग खाली हाथ ही लौटोगे। इस कारण श्री कृष्ण कहते थे कि गुरु जी मैं तुम्हें बिना दक्षिणा नहीं दे, मैं बिना दक्षिणा के तुम्हें नहीं देने जाऊँगा। और आज वही श्री कृष्ण संसार में कृष्ण मंदिर जगत गुरु के नाम से दृढ़ गीता उपदेश दिया और संसार में सर्वश्रेष्ठ कहलाए। जब कृष्ण अपने गुरु को जाते समय उनके चरणों में नमस्कार करके पूछते हैं कि हे गुरु, मैं एक बात समझ में नहीं आई। बोले क्या? कि प्रभु वो तो आपका पुत्र था, समुद्र में गया मर गया, मैं आपका शिष्य हूँ, आप अपने पुत्र को जिंदा करके ला सकते थे, मेरे हाथ से ये कार्य क्यों करवाया? मेरे में सामर्थ्य, मैं तो आपकी कृपा से, आपके सामर्थ्य से जाकर तुम्हारे पुत्र को मैं लेके आया हूँ, ऐसी गुरु दक्षिणा लाने को मुझे क्यों योग्य किया जबकि आप आपके पुत्र को ला सकते थे? तब सांदीपनि महामुनि हंसकर कहते हैं, हे कृष्ण, इस संसार में एक बात बता देता हूँ, तूने कृष्ण तूने तेरे गुरु को जिस तरह प्रसन्न किया, उसको संतोष प्रदान किया, वैसे मैंने मेरे गुरु को प्रसन्न नहीं किया, इसलिए मैं उतना शक्तिमान नहीं हो सका। मैंने तूने मुझे गुरु को प्रसन्न किया है इसलिए मृत पुत्र को भी ला सका। जो गुरु की कृपा प्राप्त करता है वो संसार में असंभव कार्य को भी संभव कर सकता है, गुरु की कृपा प्राप्त हो, गुरु प्रसन्न, गुरु जिस शिष्य पर प्रसन्न होता है उसको सारी चीजें आज स्वर्णकाली का नाम इस संसार में, हमारे भारत में तीन जगह ही स्वर्णकाली है, एक नेपाल के राज्य घराने में गुह्यकाली के नाम से, परम पूज्य शंकरदेव जी अपने अपने पुस्तक में गोपनीय योगी उत्तर सिद्धियाँ इसमें लिखते हैं कि वहाँ नेपाल के राज्य घराने में आज भी स्वर्णकाली है और जिसके पास केवल राजा लोग जाते हैं, बाकी कोई लोग नहीं जाते, और उसकी आराधना रोज रात में 10 से 12 बजे तक होती है। और वहाँ कहते हैं कि उनके राजघराना आज इतने अंग्रेज आके गए, दूसरे लोग आके गए, आक्रमण हुआ, लेकिन वो राजघराना नहीं गया। और ऐसी एक राजघराना हमारे पास भी आंध्र में है, वहाँ भी स्वर्णकाली का मंदिर है जो बहुमी लक्ष्मण स्वामी के पास का है। और तीसरा
स्वर्णकारी का मंदिर है लंका में, जहाँ से राम को विभीषण ने कहा था कि इस स्वर्णकारी को आप अयोध्या ले जाओ और आपके कुलदेव को मुझे दो, ऐसा कहा था। वो स्वर्णकारी शांतनु के नाम से जानी जाती है। और जिस घर में स्वर्णकारी के चरण हो, जिस घर में स्वर्णकारी के चरण रखे हो, जैसा मैंने अभी कहा था, पुलस्त्य जो रावण ने कहा था कि मैं दरिद्रता और असमर्थ जीना नहीं चाहता, मेरे वैरी नहीं चाहिए, ऐसा कहा था, ऐसी स्वर्णकारी की साधना आज तक पहली बार मैं इस चंद्रपुर में एक साधना दे रहा हूँ और मुझे अनुभव है। आज अगर आप दक्षिण में कहीं भी जाकर बड़े बड़े घरों और बड़े बड़े देवता मंदिरों में जाकर देखते हो तो वहाँ आपको मुख्य द्वार पर स्वर्णकारी के चरण लगाए हुए दिखते हैं और वह सारे वास्तुदोषों को निवारण करते हुए घर में जो स्वर्णकारी की साधना करता है वो शत्रु को पराजित करने वाला कहलाया जाता है, उसके शत्रु होते ही नहीं। और जो स्वर्णकारी के सामने वही पारण कर उसका पाठ 1000 पाठ करता है, उसके शत्रु कभी भी हार जाते हैं। उनको उस शत्रुओं को इतना इतना खराब कहा गया है कि वो उसके स्वर्ण वैमान को पाठ करने वाले के शत्रु दरिद्र से जंगल जंगल भटकते हैं, ऐसा कहा गया है। मैंने आपको उदाहरण दिया ही दिया, जैसे रामचंद्र जी भी साक्षात कृष्ण अवतार होकर भी जब स्वयंवर में रावण उस धनुष्यबाण को उठा नहीं सका और राम ने सीता जी को वरण किया, तभी से रावण के मन में रह गया था कि राम मैं जो कार्य किया गया और वह मेरा शत्रु है, ऐसा धारण करके गया। और सीता जी की शिक्षी चालू हुई शांतनु के सामने वही मान को उसका पाठ करता था रावण और रामचंद्र जी को वनवास अनुभव करना पड़ा। आखिरी दम तक जब तक रावण काष्ठ जलता रहा, रावण सुखी रहा, सीता सुखी। लेकिन जैसे ही सीता लक्ष्मी के रूप में लंका में गई और वहाँ उनके आंसू गिरे, वो लंका का ध्वंस आरंभ हो गया। स्वर्णकाली केवल तीन बातों को अचित रह गई, जिस घर में स्वर्णकाली यंत्र हो उस घर में साक्षात लक्ष्मी के आंखों के आंसू ना गिरे, महारुद्र का अपमान रुद्र का हवन या रुद्र का मंत्र उस घर में होना ही चाहिए और स्वर्णकाली की आराधना होनी चाहिए। उसके साथ साथ इस संसार में हम किसी अन्य अपने घर में ऐसी कोई चीज़ को नहीं करना चाहिए जो स्वर्णकाली को अप्रसन्न करता हो, यानी स्मशान के मिट्टी को लाना है, स्मशान की चीज लाना, क्योंकि मैंने आपको जैसा बताया जिस घर में या जहाँ काली का वाम पाँव या बाया पाँव शिव जी के ऊपर है, वहाँ पूरा वामांत है, उसे स्मशान काली का है, स्मशान में रहने वाली का है। जिस शिव जी के ऊपर माँ का दाया पाँव दक्षिण पाँव रखा गया है, राइट पाँव लेफ्ट रखा गया है, उसे दक्षिण काली कहा गया है और ये दो पाँव इसके ऊपर रखे हुए उसे स्वर्ण काली कहा गया है। आप अगर देखते हैं तो आज कलकत्ता में जो काली है उसके ऊपर शिव जी सामने स्वयं है और दोनों पाँव शिव जी के काली के शिव जी के ऊपर रखे हुए हैं। इसके ऐश्वर्यवान महाकाली कलकत्ता की काली कह रहे थे, स्वर्ण काली है। उसके शिष्य रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद संसार भर में प्रसिद्ध है, जो काली के भक्त कहलाते हैं, विश्व भर में प्रसिद्ध है। कारण क्या है? वो स्वर्ण काली का मंत्र है, वो स्वर्ण काली की आराधना है, जहाँ दो चरण में शिव जी के ऊपर रखा हुआ है, बाकी सदा एक सब जगह देखते हैं आप, एक पाँव शिव जी के ऊपर है और एक पाँव बाहर रखा हुआ है। इसमें दाया पाँव जहाँ रखा उसे दक्षिण काली कहा गया है और वाम पाँव जहाँ रखा है उसे स्मशान काली या महाकाली कहा गया है। हम इस स्वर्णकाली की साधना को करने वाले, अपने घर में स्वर्णकाली की स्थापना करने वाले, किसी प्रकार का वास्तु दोष हम काम नहीं करता। जिस काली के नीचे शिवजी रहते हैं इसके उस काली के चरणों को स्थापना करने के कारण और शिवजी की महानता के साथ शिव और काली दोनों का वास होता है और वहाँ रहने के कारण स्वर्ण की वर्षा उस घर में निरंतर होती है। आप कितने भी दरिद्रता से अनुभव करते हो, एक बार अपने घर में स्वर्णकाली के यंत्र को स्थापित करके देखो और जो आज मैं इस मंच से आपके सामने जुड़कर बैठ कर कह रहा हूँ, इस घर में स्वर्णकाली का यंत्र स्थापित हुआ, आज तुम्हारे घर में कितना स्वर्ण है और अगले साल इसी दिन तक आपके घर में कितना स्वर्ण है आप देखो। अगर मैं गलत हूँ तो कभी साधना नहीं मिलूंगा और रोकना नहीं मिलूंगा। उस स्वर्णकाली की इतनी सुंदरता है, मुझे लगता है कि आप गुरुकार्य करें, गुरुकार्य करने में अपने आप में सामर्थ्य हो, आप श्रेष्ठता के साथ प्राप्त करें। मैं हर बार यही कहने की कोशिश करता हूँ कि आप सामर्थ्यवान जिए, आप सामर्थ्य के साथ रहें, आप शत्रु ना हो, आप दुखी ना हो, आपको दरिद्रता नहीं है, नहीं आए दरिद्रता आपके पास भी ना फटके, इसके लिए ऐसी कौन सी साधना है इसको निकालता हूँ। इसलिए मैं आज यह स्वर्णकाली साधना आपको इसलिए प्रदान कर रहा हूँ कि आज वृश्चिक राशि में सूर्य है और ये वृश्चिक संक्रांति कहलाती है। संक्रांति का मतलब है सूर्य संक्रांत होने के कारण, क्रांतिकारी होने के कारण उसे वृश्चिक राशि की संक्रांति कहा गया। वृश्चिक के बाद धनु आएगी, धनु के बाद पौष मास में मकर संक्रांति आएगी, आज वो संक्रांति वृश्चिक राशि की संक्रांति। और आज के दिन माता काली की आराधना, जो मंत्र केवल एक बार भी करता है और उसका
दशांश हवन करता है तो उसको उसके घर में स्वर्णकारी स्थापित होते हैं और स्वर्णकारी के यंत्र को अगर स्थापन करके आप अगर मंत्र जप करो या ना करो उसको अगर अपने दरवाजे पर उस यंत्र को स्थापना करते हैं तो किसी प्रकार का दोष हो। मंदिरों में भी आज हम सब देखते हैं बहुत सारे मंदिर कोर्ट केसेस में पड़े हुए हैं, बहुत सारे वहाँ देवता होने पर भी पुजारी होने पर भी वह सब होने पर देवता मंदिर भी कोर्ट केसेस में है, मंदिर के पुजारियों भी कोर्ट केसेस को जाते हैं, वहाँ भी झगड़े होते हैं, लेकिन जहाँ हो वहाँ ऐसा कार्य नहीं होता। इसलिए कहते हैं कि जिस दिन जब तक रावण ने स्वर्णकारी की आराधना की थी उससे उस किले को कोई तोड़ नहीं सका, लेकिन जिस दिन हनुमान जी ने प्रवेश किया और जिस दिन सीता जी वहाँ आई सीता के आंसू गिरे उस दिन विभीषण उनसे अलग हो गया और विभीषण अलग हो गया और सीता के आंसू गिरे तो रावण का पूर्ण नाश हो गया। तो ऐसा कार्य न करने से पहले स्वर्णकारी की जहाँ स्थापना हुई वहाँ भाई बंधु सब मिलकर रहते हैं, सरस्वती के कारण सरस्वती से रहते हैं, वहाँ लक्ष्मी रूपी सीता का रुदन ना हो, रुद्र का भजन नित्य होता हो, ओम नमो भगवती रुद्राय का कम से कम 5 बार तो बोल लेना चाहिए, ओम नमः शिवाय बोल लेना चाहिए जब स्वर्णकारी स्थापना होते हैं, उस घर में निश्चित रूप से स्वर्ण होगा ही होगा और उस घर में सर्व सौभाग्य होगा, भाई बहन बंधु बहन सब एक जगह मिल करेंगे, पति पत्नी में कभी झगड़ा नहीं होगा, बंधोदरी उतनी होने के बाद भी सत्य और पतिव्रता कहलाएगी, जबकि रावण उतना दुष्ट था सभी लोग जानते हैं। आज विभीषण की पत्नी हो कुंभकर्ण की पत्नी हो ये सभी लोग एक जगह रहे बहन के साथ रहे, उनके कभी पत्नियों का नाम कभी झगड़ा हुआ है उनके राम संहिता है कहीं भी लोग उनका झगड़ा हुआ ऐसा कभी नजर नहीं आता। जहाँ स्वर्णकारी की स्थापना हुई वहाँ उस घर में सभी भाई बहन बंधु सब मिलते रहते हैं और सब ऐश्वर्य के साथ काम करते हैं, ऐश्वर्य के साथ रहते हैं। वहाँ इस प्रकार पुरुष के नाम से पुरुष के आज पुरुष के मानसिक का आचरण करते हुए ब्रह्मा जी के आशीर्वाद से वे पुरुष नाम का रावण इस स्वर्णकारी की साधना करता था। रामचंद्र जी ने भी इस शाक्री देवी की साधना करते हुए वहाँ से वे गए, लेकिन स्वर्णकारी को ले जाने के लिए जैसे मैंने अभी आपको बताया रामचंद्र जी ने अपने अयोध्या देश अपने कुलदेवत को विभीषण को दे दिया था, जो वैष्णव भक्त थे जो श्रीरंग नाम के जाते थे, जो रामचंद्र जी अयोध्या की कुलदेवता अयोध्या जी कहलाए जाते थे, तो उस पुष्प कुमार में उसको लेके आते समय कावेरी नदी के किनारे उस श्रीरंग को लेकर थोड़ी देर के लिए रुके और श्रीरंग वहीं स्थापन हो गए, वो गंगा को नहीं ले जा सके। लेकिन श्री रामचंद्र जी ने जब ये कहा कि मैं स्वर्णकारी यहीं रहने दो मैं यहाँ से नहीं ले जाता, तब कहा तो आप देखते हैं कि रामचंद्र के वापस आने के बाद भी सीता माई के गए जाए तक भी उन्होंने वही अनुभव किया, सीता माई का अपमान हुआ, किसी ने कह दिया सीता माई गर्मा से रहेगी लोग उसका जन्म हुआ और रामचंद्र जी ने सुनी रहे या कुछ नहीं, स्वर्णकारी का अपमान कभी नहीं करना चाहिए, स्वर्णकारी जिस घर स्थापन हो उसके उसको देखकर नमस्कार करने मात्र से हमारी वृद्धि होती है और वो स्वर्णमय जीवन कहलाया जाता है। ऐसी साधना जो अपने घर में ऐश्वर्य को प्रदान करने वाली सुख समृद्धि देने वाली और अपने को सर्वसौभाग्य देते दे, अपने पति पत्नी अपने सारे परिवार को बच्चों को सभी ऐश्वर्य देने वाली ऐसी साधना आज चंद्रपुर की महाकाल नगरी में मैं आपको प्रदान कर रहा हूँ। यह साधना उन्होंने की मेरे सरकार वशिष्ठ महर्षि जी की विश्राम के लिए स्वयं हनुमान जी ने भी यह साधना संपन्न की। आज हनुमान जी की साधना इस साधना को करने के कारण ही पूरे भारत में नहीं बाहर के भारत के बाहर भी पूजे जाते हैं, उनके भी स्वर्ण मंदिर में उनको भी स्वर्ण स्वर्ण गला उनको भी रखी है, परशुराम जी ने भी ये साधना संपन्न की, स्वयं स्वयं सद्गुरुदेव जी ने साधना संपन्न की। ऐसी स्वर्णकाली की साधना जो करते हैं वो कभी असमर्थ और अशक्त और शत्रु से अभिज्ञ रहते हैं, शत्रु का कुछ बिगड़ नहीं सकते जिससे करने साधना होती है। ऐसी साधना मैं आज आपको प्रदान कर रहा हूँ, ये साधना का की सामग्री लाने के लिए आपको 15 मिनट का समय देता हूँ, साधना सामने क्या मैं स्वयं साधना संपन्न करवाऊंगा। यहाँ जो आयुर्वेद है यहाँ यंत्र रखा हुआ है, यहाँ स्वर्ण का यंत्र रखा जाएगा और उनकी पूजा के साथ आपको पूजा करवा के साधना संपन्न करूंगा। आप आपके घर में पुत्र को चाहते हैं, आपके घर में लड़की है उनकी विवाह चाहते हैं, आप घर में सभी लोग दिल्ली के रहना चाहते हैं, कोई झगड़ा नहीं चाहते और स्वर्ण में जीवन जीना चाहते हैं, तो पुत्र प्राप्ति के लिए तो ये अमोघ साधना कहलाई गई है जो अपने घर में इस साधना को करते हैं। मैं आप सभी को आशीर्वाद देता हूँ और 15 मिनट का समय देता हूँ, आप इस साधना को संपन्न करके यहाँ आए और पूजा करके ये साधना करवाऊँ।